ये अपन ने ले लिया वाटिका शैम्पू इतना सारे, ये कम से कम 70-60 हैं। ये बकरों के नहलाने के लिए लेके जा रहा हूँ ताकि एडवांस में वहाँ रखते हैं। अब इनको भी डाल दो उसमें। अभी अपन लोग जा रहे हैं वहाँ पर, ये भाई दिलची भाई अपनी पत्ती वगैरह लेकर जा रहे हैं और ये कुछ पानी वानी हमने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। ये पानी इसलिए करा है क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर सारा प्लेन कर रहे हैं, कुछ भी धूल वगैरह मिट्टी वगैरह नहीं छोड़ने वाले। तो ये नई मिट्टी आई है फार्म पर हमारे, ये हम हमारे बाड़ों में डालेंगे इस बार, ठीक है। इसको नहीं डाल रहे याद रखना, काफ़ी सारे लोग जो वीडियोज़ देख कर काफ़ी सारे काम करते हैं भाई, तो भाई ये नहीं डाल रहा हूँ मैं मिट्टी में, ये वाली मिट्टी डाल रहा हूँ मैं बाड़े में, बकरे जहाँ पर बैठेंगे। और ये इस तरह की हो जाएगी, मैं ये भी आपको दिखा दूँ, ये इस तरीके की हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। एक सेकंड, हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल कादिर भाई बोल रहे हैं या दूसरे वाले भाई बोल रहे हैं? अब्दुल कादिर भाई बोल रहे हैं जी। भाई ये कह रहा था हमारा बाड़ा है ना बकरों का, जो जहाँ बकरे बंद रहते हैं जी, 25 बकरे हैं जी। मसला क्या हुआ है वहाँ को, अल्लाह जाने क्या वायरल रह गया है क्या कुछ हो गया है, वहाँ छोटे 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 मच्छर है, उड़ने वाले हैं बहुत छोटे हैं, चींटी से थोड़े बड़े, वो बकरों के चल रहे हैं और बकरे इतने उछल रहे हैं, जब इतना पैर मार रहे हैं बार बार, और है ना वो पूरे बाड़े में फैल रहे हैं। बाड़े की सफाई करवा दो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से सफाई करने के बाद मैंने फिनाइल का छीटा लगा दिया, फिर भी हजरत कुछ नहीं हुआ। लारा और नोवान करके दो स्प्रे आते हैं, वो दोनों स्प्रे उनको डालना, आज के व्लॉग में देख लेना, मैं दिखा दूंगा उसको, ठीक है? अच्छा ठीक है भाई, वो 18 लीटर के कैन में मिक्स करके डाल देना। तो भाई ऐसा है वो जो जमीन है ना वो सीमेंट की, उसके ऊपर है ना जो महंगी महंगी करते हैं ना, तो उसका बुरा हाल सा पड़ा हुआ है। हां उसी में पूरा झाड़ दिया, अब सीमेंट की जमीन पे डाल दी। ये महीनों में ही होते हैं बकरों के। अच्छा ठीक है, ओके तो आज का व्लॉग देख लेना भाई लोग, जिसको भी टिक्स वगैरह की प्रॉब्लम हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ये भी बता दूं, इसमें अब टिक्स नहीं मरेंगे, ये जो सीजन स्टार्ट होता है गर्मी का इसमें टिक्स इससे नहीं मरते क्योंकि इसमें नीचे चले जाते हैं और ये नीचे से ठंडी होती है। हम लोग ये कर रहे हैं ताकि ये मिट्टी इस तरीके की हो जाए और हम इस पर डेली पानी वानी चला करेंगे ताकि इसमें ठंडक रहे। तो ये है इस साल का प्लान और इंशाल्लाह अभी डेली व्लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे, अब आपको डिले नहीं मिलेगा। मसला ये था कि मेरी पहली इतनी शादी के बाद तो आना जाना भी था और मैं पहले दिन आपको पता ये फार्म पर था तो कहीं गया नहीं था, जिस करके कल का व्लॉग नहीं आया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और अभी हमारा एक नया बकरा आया हुआ है तो उसको भी पानी वानी भी दिखाना है, उसका भी ट्रीटमेंट करना है, तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे, क्या क्या करेंगे वो भी आपको बताएंगे। और ये फार्म की फिलहाल की कंडीशन है, ये सामान ने बनवाया था, बहुत अच्छी चीज़ है, दिखने में भले ही अच्छा ना लग रहा हो लेकिन बकरों को काफ़ी राहत मिल रही है इसमें, आप खुद देख सकते हो बकरियाँ इसमें माशाल्लाह कितने सुकून से बैठी है। और इंशाल्लाह मैं आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर बकरियाँ बढ़ाऊंगा, बकरे बड़े ही बकरे रखे हैं इंशाल्लाह फार्म पर, छोटे बच्चे वगैरह हम लोग नहीं रखे हैं नेक्स्ट ईयर से। ये भी और ये दिलची भाई तुम्हारी ये गिर गई इमारत, इमारत गिर गई, ये गिर गई, ये गिर गया, ले भाई 70 शैम्पू, 70 सारे बकरे टोटल जितने भी नहाएंगे शैम्पू लगा, और मुझे उठा दे चक्कू जिसमें खुर बना के लाना, मैं जा रहा हूँ, मुझे साहबान ने बोला कि चक्कू का खुर बनवा ला, जा चक्कू का खुर बनवा ला, खुर वाला चक्कू तेज करवा ला, तो जल्दी ले जा फटाफट उठा के ला, यहाँ से ले जा उठा के बकरे खा लेंगे बेटे से, एक्टिव हो जा यार सुल्तान, रस्सी लगा दे यार बकरे बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद नींद ही नहीं पूरी हो रही है भाई, पूरे पूरे दिन सोया जा रहा है एक आदमी पे। लारा 909 पूरी तरीके से सुनना, लारा 909, एक सेकंड जी भाई, 1000 रुपये, 1000 एक पैकेट आएगा, 600 ग्राम की पैकिंग आती है, वो बकरी वाला जो आता है वो किलो पे नहीं आता, वो 20 ग्राम डेली देना होता है, पूरा महीना चलता है एक बकरी पे, ठीक है? और बकरी वाला वो 1 किलो आता है, वो भी 1000 रुपये का आता है। हाँ नोवान और लारा 20 ml ये, 20 ml ये हो गए टोटल, 40 ml है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ आप देख लेना ताकि बाद में किसी को कंफ्यूजन ना रहे। ये है 18 लीटर की कैन, ठीक है, इसमें 40 ml डालना पूरे पानी में और इससे स्प्रे करना, हम इसको बकरों पे भी करते हैं जबकि ये बहुत रिस्की है, लेकिन वो जो टिक्स की बीमारी है वो बहुत भारी चीज़ है,
उससे बचने के लिए मैं करना ही पड़ता है। चलो बड़ा इस तरफ के बकरे माशाल्लाह डिलची भाई लगा रहे हैं, सैवान टाइम पास कर रहा है। और ये यहाँ पे जो हमने पानी वगैरह कराया था उससे ये फायदा हो रहा है, देखो माशाल्लाह। कोटे के बाड़े में भी हम इसको सारे को क्लीन करने वाले हैं। इसमें जो दसन थी ना, इसमें पैर रख के बकरों को, तो वो हम हटा रहे हैं यहाँ से ना। ये बकरा रात पंच हुआ है और दो बकरे और पंच हुए हैं बड़े। जो नया बकरा आया साहबान उसको पानी वानी दिखा भाई आगे, और पत्ती रखो सर। बकरा आया था और अभी दो घंटे के बाद हम लोग उसको पानी दिखा रहे हैं। अब ये पानी पिएगा एक कंडी, एक कंडी में आई थिंक 2 लीटर के समथिंग पानी आता है बस। वो 2 लीटर में से ये जितना भी पानी पी ले। पानी में कुछ मिक्स नहीं किया है, उसका मेन रीज़न ये है कि बकरे को ज़रूरत नहीं है अभी, अल्लाह का शुक्र है वेदर ठीक है। है भाई जोगी है माशाल्लाह। गर्मी लग रही है ना, पंखा लगाओ। इसे इधर बांध देना, यहाँ पत्ती रखी यहाँ लग जाएगा बस। इधर कर दे इसको, इधर इधर कर दे। बकरे के पाए चेक करो, पास आ गया बस। कितना बड़ा बकरा है, बहुत बड़ा बकरा है माशाल्लाह। अच्छा एक चीज और चेक करनी थी, इसके अंदर जगह बहुत है बकरे के, देखो ना देख। और माशाल्लाह बहुत जगह माशाल्लाह है ना। अल्लाह ने चाहा तो 160 के क्लब का बकरा है, बाकी अल्लाह कितना करा दे वो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन बकरे के अंदर पोटेंशियल तो है। इसके पीछे के पैर भी बहुत अच्छे हैं, कोई कैची वैची नहीं है, बहुत अच्छे पाए का बकरा है। अभी बहुत दुबला है, सींग तो उसके अंदर घुसे पड़े। खोल ले से बकरे को साहबान, अरे वहाँ बांध ले, इस तरफ छोड़ दे, इसमें खुला छोड़ दे साहबान इसको। हाँ ये वाला लगा, ये देखो कितना जगह है इसके अंदर। ये मैंने सींग हटाया, इसके सींग में यहाँ फट रही थी, ऐसे नहीं आएगा, खोलनी पड़ेगी। आज हम हमारे कबूतरों को खिलाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे दाना ऑलरेडी बहुत पड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कबूतर यहीं आके चुग ले तो बेहतर है। वैसे ये भूल गए तो इनको यहीं आना, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से बस खोल देता हूँ, उधर आ जाएंगे। इन्होंने 2 अंडे दिए हुए हैं, पहले भी इन्होंने 2 अंडे दिए थे मगर वो नीचे गिर गए थे। उसके बाद हमने इनको पेटी को थोड़ा सा चेंज किया था, मैं दिखाता हूँ आपको हमने किस तरीके से डिज़ाइन की थी दोबारा। ये देखो 2 अंडे रखे हैं, इनके हैं अंडे, इसके और इसके। इन्होंने अभी ब्रीड नहीं की, और वो जो पाउडर वाला है वो कहाँ गया। अभी यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन की थी, ये सीधी थी, इसको तिरछी कर दी थी ताकि ये जो बड़े वाला कबूतर है ये इसका साइज में बहुत अच्छा सूट बैठ रहा है। अभी गर्मी में पानी वानी पियेंगे और फिर ऑफिस में चले जाएंगे अंदर, ये ऑफिस में ही खाते हैं तो ये वहीं रह लेंगे इंशाल्लाह आराम से। बाकी मेरा कोई बकरा ना घुस गया अंदर यार। कोई बकरा नहीं है, देखो ये ऑफिस में जाएगा आराम आराम से। चल भाई पाउडर, चलो अंदर। चीज है वैसे ना माशाल्लाह। चलो ऑफिस में जाएंगे, चलो बेटा चलो 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 ऑफिस 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 जॉब पे जा रहे। पानी वानी पी लिया। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई जो भाई जान, एक ना बहुत अच्छी सी अपडेट करनी थी हमें हमारे फार्म को लेकर। आज तारीख है 13 अप्रैल 2024, ठीक है। 13 अप्रैल 2024 से लेकर बकरा ईद तक हमारे फार्म पर विजिटर्स अलाउड नहीं है। कोई भी भाई जैसे कि सिर्फ बकरे देखने आना चाहते हो, या कोई फार्म के रिलेटेड बात करने आना चाहते हो, या कुछ भी अपनी मसले मसाइल के लेके, बहुत सारे लोग आते रहते हैं कि भाई हमें फार्म करना है या हमारे बकरों में फला दिक्कत आ रही है, तो काफ़ी सारे लोग जैसे अभी कलियर शरीफ भी अलहमदिल्ला बहुत भीड़ है तो लोग आते हैं फार्म पर, तो बकरा ईद तक हमारे फार्म पर कोई भी आदमी अलाउड नहीं है बाहर का। उसका रीज़न है कुर्बानी का टाइम नज़दीक आ चुका है, बहुत ज़्यादा नज़र का गेम रहता है। अलहमदिल्ला काफ़ी बड़े बकरे फार्म पर खड़े हैं और नए आदमियों को देखकर बकरे भी डिस्टर्ब होते हैं, तो इस करके हमने ये डिसाइड किया है, क्योंकि हमारे पास भाई पलाई के बकरे हैं, वो हमारे खुद के बकरे नहीं हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी का बकरा ख़राब हो। हमारे उन्होंने अमानत सौंपी हुई है हमें, तो हमारा पूरा फर्ज बनता है कि उनकी पूरी तरीके से देखभाल करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि उन बकरों को नुकसान हो।
तो मैं मानता हूँ कि आप लोग सोचोगे कि यार हमारे आने से क्या बकरे की तबीयत खराब हो जाएगी, ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन बस ये है कि बकरे डिस्टर्ब होते हैं नए आदमियों को देखकर, और अभी फिलहाल हम लोग भी ना टाइम नहीं दे पाएंगे आप लोगों को, जैसे आप आओगे इतने दूर से हमारे पास तो हम बैठ भी नहीं पाएंगे आपके पास ज़्यादा देर, क्योंकि हमारा भी फिलहाल बकरों पर मेन फोकस रहेगा। तो मैं अपने सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि फिलहाल बकरीद तक के साबरी गोट फार्म पर अलाउड नहीं है आना। बकरीद के बकरे अगर सेल के रहे तो मैं बता दूंगा वीडियो में, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई भी विजिटर अलाउड नहीं है साबरी गोट फार्म पर। प्लीज़ अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा हमारी सिचुएशन को, हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है अभी 2 महीनों में, तो इस करके हमें और भी ज़्यादा मेहनत लग रही है, टाइम लग रहा है फार्म पर, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपना टाइम किसी और जगह दूँ सिवाय बकरों, तो इस वजह से अभी हमारा फुल टाइम बकरों पर ही रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, बकरीद के 2 से 2.5 महीने रहते हैं, इसमें आप लोग प्लीज़ फार्म पर ना आए। सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे लास्ट की वीडियो देखकर कि कादिर भाई आपने फार्म पर वैक्सीन क्यों नहीं कराई, ये वो मैंने बताया था कि मेरे बड़े बकरों की वैक्सीन हो रखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हर एक बकरे की वैक्सीन कंप्लीट थी, लेकिन वायरल जिसको आना होता है आ ही जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन थी इसी वजह से हम लोग इतने जल्दी कवर भी कर गए सारी चीज़ें। देखो नज़र बहुत रियल चीज़ होती है लाइफ में, इस चीज़ को मैं कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी बकरों की टाइम से पहले वीडियो डाली है उन बकरों को दिक्कत प्रॉब्लम हुई ही हुई है, अल्लाह का शुक्र है। अभी मेरा एक औरहान था, आप सभी लोग जानते हैं उसको, औरहान का मैंने एक दिन वीडियो भी लगाया था जब वो बहुत अच्छे पीक पे चल रहा था, ऑलमोस्ट 4 दांत पे 105 kg समथिंग अंडूल बकरा खड़ा था वो माशाल्लाह, मैंने उसकी वीडियो डाली थी, उस दिन से आज का दिन है बकरा 81 kg पर है। तो वो मेरा पर्सनल बकरा है, मैं ये नहीं कहता कि वो सेल का बकरा है, वो पर्सनल बकरा है, लेकिन उसकी ये कंडीशन है कि बकरा कम से कम नहीं 20-25 kg वजन डाउन कर चुका है, और उसको कोई बीमारी भी नहीं है। अगर आप कहो कि वो बुखार में या कुछ भी नहीं, उसको कोई बीमारी भी नहीं है, बस बकरा डे बाय डे वेट लॉस करता जा रहा है, खाना पीना ऑफ कर दिया है, और उस दिन के बाद से बकरे को वाकई में नज़र है, अल्लाह का शुक्र है। अभी वापस से उसका ट्रीटमेंट वगैरह चालू किया है कि उसका दोबारा से काम कर रहे हैं, हो जाएगा बकरा तक के ठीक, लेकिन नज़र बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है जानवरों को, इंसान को, हर चीज़ को। मेरा काम ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड नहीं रख सकता, मुझे आप लोगों को दिखाना ही पड़ता है, हर चीज़ों को बताना ही पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हर आदमी देखो अच्छी भी नज़र होती है बुरी भी नज़र होती है, अब हमें भी नहीं पता कि हम किसी को नज़र लगा दें जबकि हमें वो चीज़ सिर्फ पसंद आ रही होती है, तो इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, बस हो ही जाता है जैसे कैसे भी, इसलिए मैं चीज़ों को प्राइवेट रखता हूँ, बड़े बकरे नहीं शो करता, क्योंकि टाइम से पहले बकरे शो होने के बाद बिगड़ जाते हैं जो कि बहुत गलत चीज़ है। खैर अल्लाह का शुक्र है अभी हम लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन और रिकवर है, और अच्छे खासे हमारे बकरे वापस ट्रैक पर आ चुके हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मेरे किसी भी कस्टमर्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अपन ने इससे पहले भी बहुत सारे मसले इस तरह के खड़े हुए हैं, संभाले हैं, संभल जाएंगे, अल्लाह है अपने साथ, मेहनत करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो परेशान होने की किसी को किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी है अपने पास टाइम, और जितना टाइम है अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, बहुत ज़्यादा टाइम है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ सही रहेगा, बेफिक्र रहे, और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।